गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम हैं इस वक्त सिद्धार्थ विहार में। वो जो आप देख रहे हैं वो प्रतीक का प्रोजेक्ट है, ये अपेक्स, और ये है गौर सिद्धार्थ। आज से एक साल पहले जब मैंने गौर सिद्धार्थ में फैमिली ने बुक कराया था, तो शायद जो लास्ट का टावर आपको दिख रहा होगा 6 से 7 फ्लोर ही थे, और अब लगभग 28 फ्लोर 29 फ्लोर हो चुके हैं। ये तो लगभग पूरा ही बन गया है। प्रतीक और अपेक्स ने तो फ्लैट की डिलीवरी भी शुरू कर दी है, पोजेशन दे रहे हैं ये लोग। सामने इस टावर के पीछे TNT है, उसके भी लगभग 1 साल पहले ना के बराबर फ्लोर थे, लेकिन अब वो भी रेडी हो गए हैं। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता था कि 1 साल बाद, जो कि होता है कि फ्लैट बुक कर लिया, पोजेशन मिलने में मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितना लेट होगा, वहाँ हो रहे सभी प्रोजेक्ट्स की स्पीड क्या है, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्पीड बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एरिया की बात करें तो मेरे पीछे DPS चौराहा है, जो अभी मैं सेकंड वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये गौर सिद्धार्थ में ये मेन चौराहा है इन सभी प्रोजेक्ट्स का। यहाँ से इस तरफ हिंडन बैराज है, वैशाली वगैरह के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट भी जाता है इधर से। लोकल ट्रांसपोर्ट की तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आराम से अवेलेबल है। और ये प्रतीक और अपेक्स के लिए रास्ता, ये जो रोड है ये सीधी NH24 पे बनाई जा रही है, उस रोड के उस तरफ से काम शुरू हो चुका है इसका। शॉप्स रेडी हो गई हैं गौर सिद्धार्थम के नीचे। ये डी टावर है सबसे कॉर्नर वाला, अभी ऊपर जाने की परमिशन है नहीं, वरना मैं आपको लेके जाता। देखिए दोस्तों, 100 मीटर की दूरी भी नहीं है और ये DPS स्कूल है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के पास ही। सामने DPS चौराहा है, जिसके लेफ्ट में मेट्रो स्टेशन 1 किलोमीटर दूरी पर है।
रैपिड मेट्रो स्टेशन भी बन रहा है सेम 1 किलोमीटर दूरी पर ही लगभग। वहाँ से मोहन नगर दिलशाद गार्डन के लिए सीधा रास्ता जाता है। राइट साइड में जो रास्ता है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है। वहाँ से आप लाल कुआं बस स्टैंड नोएडा दिल्ली सीधे जा सकते हैं। और जो सामने रास्ता है वो प्रताप विहार विजयनगर की तरफ जाता है। और इन सभी रास्तों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पर पहले से ही सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ और क्या चाहिए, इतिहास को उतारना नहीं है। मैं आपको एक बार चौराहे से पोजीशन दिखा देता हूँ। ई रिक्शा वगैरह कोई रस्ता।